हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार और टेक बाबा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सभी पार्टीशंस सॉफ्टवेयर जितने भी ये पार्टीशन दिख रहे हैं आपको, तो ये पार्टीशंस को आप लॉक करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कभी आपके कोई इंपोर्टेंट डाटा आप अलग से सेव करना चाहते हैं और उसको लॉक करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से लॉक कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, क्योंकि ये विंडोज़ की तरफ से ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। उसका नाम है टन बिट लॉकर। तो बिट लॉकर से आप किसी भी ड्राइव को कर सकते हैं आप लॉक। तो मैं सिंपली दिखा देता हूँ आपको। तो हम पहले इस ड्राइव को लॉक करके देखते हैं। तो सिंपली आपको पहले तो राइट क्लिक करना होगा, सॉरी लेफ्ट क्लिक, और यहाँ से आप देख सकते हैं टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर आप यहाँ से आपको ये ऑफ मिलेगा, तो आपको यहाँ से सिंपली इसको ऑन करना है। जैसे जैसे मैंने कर रखा है वैसे वैसे करके रखना है। फिर आप यहाँ से एंड पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पासवर्ड एंटर कर देता हूँ अपने, आप भी अपने पासवर्ड एंटर कर लीजिए। तो हम एंटर कर देते हैं अपने पासवर्ड। तो अब जैसे आप पासवर्ड एंटर कर दोगे, तो दोस्तों रुकिए थोड़ा। थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। हाँ, तो मैंने अपनी पासवर्ड एंटर कर दिया, आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, वो है रिकवरी को सेव करने के लिए। तो रिकवरी के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। रिकवरी की वो होती है जो हमारे, अगर हम कभी भी पासवर्ड भूल जाते हैं, जैसे आप जो भी पासवर्ड लगाए मान लीजिए अभी कभी ना कभी भूल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपको एक रिकवरी की दी जाएगी। तो उस रिकवरी को आप वहाँ पर एंटर करोगे तो आप बिना पासवर्ड के आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो आप अगर बिना पासवर्ड ओपन, तो ये तो ऑलरेडी दी जाती है, तो आप यहाँ से किसी भी डिवाइस में सेव कर सकते हैं। आप यूएसबी के अंदर भी कर सकते हैं, या प्रिंट करवाना चाहिए उसको तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में यह करना चाहे तो आप सेव कर सकते हैं। और अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं सिंपली किसी भी फोल्डर के अंदर, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे सेव ए फाइल करूँगा, तो सेव ए फाइल पर क्लिक करते हैं। तो सेव ए फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये उस पार्टीशन के अंदर सेव करना है जिसको आप लॉक नहीं कर रहे। जैसे मैंने ये अदरवेयर को लॉक कर रहा हूँ, तो इसके अंदर नहीं करना, और बाकी सब के अंदर आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐप वाले के अंदर कर रहा हूँ, जैसे देख सकते हैं आप मेरा। तो यहाँ से इसके अंदर, इस वाले पार्टीशन में अंदर कर रहा हूँ मैं। तो आप तो सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है। आप देख लेना दोस्तों ये कौन सी की है, तो आप इसको नोट कर लेना क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से सिंपली सेव कर देता हूँ। तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं करना चाहे तो, लेकिन मैं फाइल नेम चेंज नहीं करूँगा मुझे, क्योंकि मुझे यह याद है। तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद आपको यह वो फाइल सेव हो जाएगी वहाँ पे जहाँ पे आप करना चाहते हैं। और सिंपली हम सेव करने के बाद हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं, और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप जैसे जैसे दिखाई दे रहा है दोस्तों वैसे वैसे करना है। तो आप वापस नेक्स्ट कर दें, और आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको स्टार्ट इनक्रिप्टिंग कर देना है। अब जैसे ये करोगे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ लॉक सा बना हुआ आ गया है। तो आप तो ये लॉक जब कंप्लीट होगा तब आप वापस रिस्टार्ट करोगे या फिर सिंग आउट करोगे पीसी को, तब आपका ये लॉक होगा। तो हम सिंग आउट कर लेते हैं सिंपली अपने पीसी को। तो हम सिंग आउट कर लेते हैं, रुकिए दोस्तों पहले ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी 89% हुआ है तो ये टाइम भी ले सकता है, तो आप घबराए नहीं। तो दोस्तों हम सिंपली यहाँ से अपना ये कर लेते हैं सिंग आउट। तो हम सिंग आउट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों सिंपली शट डाउन करने के बाद ये अपना जो ड्राइव थी वो लॉक हो चुकी है। तो सिंपली इस ड्राइव को अब हम अनलॉक करना सिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं आप ये ड्राइव लॉक हो चुकी है। तो अनलॉक करने के लिए कुछ नहीं है, आप डबल टैप कर सकते हैं। तो सिंपली आप दो तरीके से इस ड्राइव को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एक तो आप जो पासवर्ड लगाए उस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा आप जो रिकवरी है, जैसे आप मैंने बताया था कि आप पासवर्ड भूल जाए तो आप यहाँ से मोर ऑप्शन पर जाके यहाँ से रिकवरी से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट मेथड दिखा देता हूँ। फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं करना, आपको पासवर्ड लगाना है और सिंपली आपका ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये तो आप कर ही लोगे, तो मैं सिंपली दूसरा वाला मेथड बता देता हूँ आपको रिकवरी की वाला, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए आप डायरेक्ट चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से रिकवरी मोड पे सेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी आईडी दिखा रही है जो 48 डिजिट की है, और इसकी ये आईडी है। तो सिंपली हमने जहाँ पे सेव किया था वहाँ से कर लेते हैं। तो मैंने
तो हमने यहाँ से सेव किया था, तो मैंने यहाँ पे सेव किया था अपना बिट। तो आपने आपने जहाँ पे भी सेव किया है आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे ये रही मेरी आईडी, इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आईडी देख सकते हैं, ये आईडी वो आईडी सेम ही थी। तो ये आईडी वो आईडी आपको सेम ही मिलेगी दोस्तों। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार और। तो हम सिंपली पीसी पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से, अब मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं सिंपली यहाँ से वापस ओपन करने की कोशिश करता हूँ इसको, और हम यहाँ से मोर ऑप्शंस पे जाके हम एंटर रिकवरी की कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपके ये जो ये आईडी दिख रही है, ये आईडी यहाँ पे मैच खा रही है। तो ये आईडी मैच खा रही है तो आप सिंपली यहाँ से ये रिकवरी की जो कि 48 डिजिट की है, ये फ्री की, तो आप यहाँ से सिंपली इसको कॉपी भी कर सकते हैं और आप वैसे भी लगा सकते हैं। देखें तो मैं कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, हो जाए तो, नहीं तो आपको वैसे ही हाथों से लगाना होगा दोस्तों। तो हम करके देख लेते हैं एक बार। तो कॉपी करते रहे, मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो वापस अपन क्लिक करते हैं यहाँ पे मोर ऑप्शन से जाके, एंटर रिकवरी पे जाके यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये पेस्ट हो चुकी है, तो आपको कुछ नहीं करना, अनलॉक करना है। जैसे आप अनलॉक भी दबाएंगे तो आपकी ड्राइव अनलॉक हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, आपकी ड्राइव अनलॉक हो चुकी है। तो आप वापस एंटर कर सकते हैं इसके अंदर जो भी आपका डाटा, देख सकते हैं मैंने अपने पासवर्ड्स और मेन डाटा इसी के अंदर सेव करता हूँ। तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये ओपन हो चुकी है, तो अब मैं वापस इसको ऑफ़ करने का तरीका बताता हूँ। तो आपको अगर इसको ऑफ़ करना है तो सिंपली वापस राइट क्लिक करना है, और आप यहाँ से मैनेज, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ से ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड करके जो भी है कन्फर्म कर सकते हैं। और अगर आप इसको वापस बंद करना चाहें तो आप मैनेज बिट लॉकर पर जाके इसको बंद कर सकते हैं। तो आप मैनेज बिट लॉकर पे जाके आप जिसको भी बंद करना चाहिए कर सकते हैं। आप यहाँ से किसी का भी कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को अनलॉक करें। आप यहाँ से इनको भी आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आप, बस आपको कुछ नहीं करना, टर्न ऑन बिट लॉकर करना है, और आप किसी को भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, उस ड्राइव को सेव नहीं करना जिसके अंदर आपने रिकवरी की सेव की है, उसको लॉक नहीं करना। अगर आप उसको भी लॉक करना चाहते हैं तो आप पहले रिकवरी का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने फ़ोन में सेव कर लेना, नहीं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो हम सिंपली यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ इसको बिट लॉकर को। तो हम यहाँ से काफ़ी देख सकते हैं, आप ऐड स्मार्ट कार्ड, अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका मुझे बताइए ये होगा नहीं स्मार्ट कार्ड के अप्लीकेबल। तो आप यहाँ से रिमूव पासवर्ड, यानी आप पासवर्ड को हटा भी सकते हैं, पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बैकअप और रिकवरी की, यानी अगर आप रिकवरी की भूल चुके हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, और अगर आप टर्न ऑन ऑटो लॉक अनलॉक भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिक अनलॉक कर देगा। और आप टर्न ऑफ बिट लॉकर करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो हम टर्न ऑफ बिट लॉकर पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आपको क्लिक करना है और आपको टर्न ऑफ बिट लॉकर करना है। और जैसे आप टर्न ऑफ बिट लॉकर करोगे, ये आपका बिट लॉकर हो चुका है ऑफ। और आप देख सकते हैं यहाँ से सिंपली जो यहाँ पे लॉक का निशान था, जो सिंबल था, वो भी जा चुका है। तो दोस्तों यही है, कुछ नहीं है ज़्यादा, और ये आपको कुछ से इंस्टॉल इंस्टॉल कुछ नहीं करना, सब आपको इसी के अंदर इंस्टॉल मिलेगा। आपको बस कुछ नहीं करना, टर्न ऑन बिट लॉकर करना है। आप विंडो 8 सब के अंदर एक सेम प्रोसेस है। तो थैंक्स दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नया नया आया हूँ यूट्यूब पर, लेकिन आपको बिल्कुल जेन्युइन वीडियो देता हूँ, कुछ भी फ्रॉड व्रॉड नहीं करता, आपको बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ देता हूँ। जो भी फ्रॉड होता है आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको पर्सनली आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप, धन्यवाद दोस्तों।